नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका होगा राजतिलक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर में 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है 16 जिलों की, वहीं पंजाब में सभी 117 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। आज का दौर बहुत महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि यादव बहुल वो बेल्ट जहां पर कब्जा अब तक समाजवादी पार्टी का रहता था, लेकिन 2017 के पिछले चुनाव में बीजेपी ने बाजी पलट दी थी। आप कल्पना कीजिए, 8 जिले की 29 सीटें ऐसी हैं जो कि मुलायम और अखिलेश यादव के परिवार का गढ़ मानी जाती थी, उनमें से सिर्फ 6 सीटें पिछली बार बीजेपी की लहर में समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। कड़ा मुकाबला, पहली बार विधानसभा चुनाव, करहल सीट से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अभी 9 बजे तक की वोटिंग में 8.15% मतदान हो चुका है। जनता धीरे धीरे बूथ पर पहुंच रही है, रविवार का दिन है, उम्मीद कीजिए कि आज यहां पर वोटिंग होगी। हालांकि बंपर वोटिंग होती है तो फिर उसका भी विश्लेषण अलग तरीके से होता है कि आप बदलाव के लिए जनता निकली है या फिर जनता बदलाव नहीं चाहती है। बहरहाल कुछ भी प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सुबह 9 बजे तक 8.15% मतदान हुआ है। जसवंत नगर सीट, एक वक्त पर मुलायम सिंह यादव इस सीट से लड़ते थे, लेकिन फिर भाई शिवपाल को दे दिया, शिवपाल वहां से जीते आए। आइए आपको दिखाते हैं, अर्पिता हमारी सहयोगी ने शिवपाल यादव से बात की। शिवपाल जी, कुल मिला के हमने यहाँ, मैं आई जब से और मैंने लोगों से बात की, यहाँ मुद्दों से बड़े तो शिवपाल जी हैं। जी, यहाँ की जनता मुझे बहुत स्नेह देती है और जब से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया है तब से हमारी लीड बढ़ती चली जा रही है। वैसे तो यहाँ से जब नेताजी 7 बार जीते हैं तो नेताजी का मैं चुनाव लड़ाते थे, नेताजी के चीफ इलेक्शन एजेंट बनते थे, और फिर जब नेताजी ने सीट छोड़ी उसके बाद मैंने लड़ना शुरू किया है, तो लगातार मैं 5 बार जीत चुका हूँ, 6वीं बार मैं प्रत्याशी बना हूँ। तो यहाँ की जनता लगभग मुझे तो लगता है 1 लाख पार से जिताएगी। 1 लाख पार का दावा कर रहे हैं आप? जी हाँ, जनता कहती है 1 लाख पार। जब पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी, तो जब हम पूरे उत्तर प्रदेश में निकले तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं, ना विकास का, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। तो फिर जब हम निकले तो जनता का कहना एक ही था कि एक हो जाओ चचा भतीजे, एक हो जाओ, तो मैं तो समझ लिया। तो सुना आपने शिवपाल यादव, अब इनके भी चेहरे को देखकर लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मविश्वास कैसे, कहते हैं ना बंद मुट्ठी ला की खुले तो खाक की, नेता मुट्ठी बंद करके आज रखते हैं ताकि सबको लगे कि बस हम ही फतह करने वाले हैं। ये आशीर्वाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेते हुए आज की वोटिंग के पहले ये तस्वीर उनकी तरफ से रिलीज की गई है। हमारे साथ 3 खास मेहमान, विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर स्टूडियो मौजूद है, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, और संजय कुमार जी सीएसडीएस के सिफोलॉजिस्ट, जिनको आप लगातार आज तक के शोज में देख रहे हैं, पीएससी में देख रहे हैं, वो हमारे साथ आज चर्चा में रहेंगे। लिए चलते हैं आपको तमाम हमारे सहयोगी भी, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिरोजाबाद से, नेहा बाथम हमारे साथ जुड़ रही हैं हाथरस से ही कुमार कुणाल है, जलालाबाद से भी हमारे सहयोगी हैं जितेंद्र बहादुर हमारे साथ है, अर्पिता आपकी बातचीत भी हमने शिवपाल यादव से दिखाई है, लेकिन यहीं से शुरुआत करते हुए सैफई में आप मौजूद हैं। सैफई सबसे बड़ा टॉन्ट बनकर रह गया, जिस पर सबसे ज्यादा कटाक्ष बीजेपी करती थी कि आपने बस वहां पर नाच गाना कराया, लेकिन इन सब के बीच 2017 में 29 सीटें जो गढ़ थी मुलायम परिवार की, उनमें सिर्फ 6 उनके पास रह गई थी। करहल से अखिलेश को उतारना, शिवपाल का जसवंत नगर से उतारना, पूरी कोशिश होगी कि इस बार की 59 सीटों पर वो दबदबा अपना बना पाए, वरना ये लगातार दूसरी बार सब कुछ हाथ से फिसल जाएगा। अर्पित, बिल्कुल, देखिए तो ये कोशिश तो है, आम जनता जो है वो भी अब अपने मन को कितना बदल रही है, नहीं बदल रही है। जिन साइलेंट वोटर का जिक्र हम अंजना हमेशा करते रहे हैं, वो मैंने यहाँ खासतौर पर सफाई पर और यहाँ आसपास इटावा में मैं कल मौजूद थी, मैंने देखा यहाँ बहुत साइलेंट वोटर है जो खुलकर क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ के हैं, लेकिन अगर आप उनसे कैमरे के पीछे पूछिए आप यहाँ से हैं, तो बोलेंगे मैं यहाँ से हूँ नहीं, मैं चाय की दुकान पर हूँ। यहाँ पर एक बाबा है जो मतदान करके आए हैं। बाबा मतदान कर दिए? हाँ। तबीयत ठीक है? ठीक। अच्छा, तो यहाँ क्या विकास हुआ, सड़क वड़क बन गई, दिक्कत कोई? यहाँ सब विकास किया मुलायम सिंह ने। अच्छा, सब विकास ही विकास है। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं?
परिवार में थोड़े ही ज्यादा ना होंगे। अच्छा, सुबह सुबह आप आ गए मतदान करने। भाई निमला आदमी दिखा तो है ना हो, अपन टाइम डाल लाए। अच्छा, आप मतदान करते हैं जी? क्या मुद्दे हैं, अगर मुद्दे पार्टी की बात ना की जाए, यहाँ पर क्या ऐसे मुद्दे हैं जिससे सबसे ज्यादा जनता यहाँ की त्रस्त है? सबसे मेन चीज है महंगाई और बेरोजगारी। मेन दो ही चीजें हैं सबसे ज्यादा। आप मत हैं बाबा, आप मुद्दा याद आ रहा है आपको, बताओ। सुनिए, शुरू इलेक्शन में जब हम लोग लड़े तो चंदा करके लड़ा मुलायम सिंह को, और क्षेत्र में सुबह बेचारे आ जाओ करें खादी को, और पहले बांधना की नाई लिख जाए शामक रीते चले जाओ, तो 300 तो बैंक खुलवाई और 300 कॉलेज खुलवाए। अच्छा। और इंटर तक फीस माफ कराई, और अब योगी क्या करेंगे? ठीक है, यानी फीस माफ करवा दी, कॉलेज खुलवा दिए, स्कूल खुलवा दिए, आप ये अर्पिता, बता रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे और भी तमाम सहयोगी हिमांशु जल्दी से आपके पास आते हुए। समाजवादी पार्टी के लिए 59 सीटों में अपने वर्चस्व को वापस हासिल करना बड़ी चुनौती है, जल्दी से वहां से, क्योंकि जब जब आप बात कीजिए कि क्या करहल से आपने केंद्रीय मंत्री को उतार कर उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, तो फिरोजाबाद, कन्नौज लोकसभा चुनाव की सीटें याद कराते हैं कि हमने गढ़ से उखाड़ फेंका था। देखिए बिल्कुल अंजना, एक बात तो साफ है कि 2017 में जिस तरीके की लहर थी बीजेपी की, वो शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। 312 सीटें बीजेपी ने जीती थी उत्तर प्रदेश में, और फिरोजाबाद की 5 में से 4 सीटों पर जो है बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया था। एक सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, और मैं आपको बता दूं वो सीट के जो विधायक है हरिओम यादव, वो कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए, तो एक तरीके से 5 सीटें हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा मुद्दा है विकास का, बेरोजगारी का, और साथ ही साथ उद्योग धंधे, जो कांच से बनने वाले वस्तुएं हैं वो उद्योग धंधे यहाँ धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, कारखाने बंद होते जा रहे हैं, नई चीजें खुल नहीं रही हैं, नए उद्योग आ नहीं रहे हैं, तो वो लोगों के लिए है। लेकिन देखना यह है क्या ये उद्योग धंधे, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा, क्या लोग अपने अपने चश्मे से देखेंगे, किस चश्मे से क्या देखेंगे? किसी को बेरोजगारी दिखती नहीं है, कोई देखना नहीं चाहता या तो, या लोग कहते हैं महंगाई जो है वो ठीक है, उतनी ही आय बढ़ गई है। ये सारे मुद्दे हैं। क्या जात पात का समीकरण टूटेगा? क्योंकि जात पात के समीकरण, ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जातीय समीकरण होता है, और इसीलिए इस बार दोनों ही पार्टियां जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने जिस सोशल इंजीनियरिंग के बूते पर 2014 के अंदर, 2017 में और 2019 में विजय पाई थी, अखिलेश यादव ने भी इस बार जो है जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। हाँ। क्या ये मुद्दे हावी होंगे, जातीय समीकरण? सभी रिपोर्टर से कह रहे हैं अगर बूथ है पीछे तो बूथ जल्दी से, वोट पोलिंग कैसी हो रही है एक बार लाइन दिखा दीजिए जल्दी जी हिमांशु। देखिए बिल्कुल लाइन बहुत छोटी है, लेकिन ये लाइन इसी तरीके से बनी हुई है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। यहाँ लगभग 1100 मतदाताओं की सूची जो है तैयार है, उनमें से मैं मानकर चल सकता हूं कि लगभग 200 मतदाता जो हैं यहां पर अभी तक वोट कर चुके हैं। अंजना बिल्कुल, नेहा जल्दी से आपके पास आते हुए, फिर यहां पर जरा ग्राफिक्स भी हम लोग दिखा दें, क्योंकि खास इंतजाम आज तक करता है वो दिखाएंगे। जल्दी से नेहा वहां से ग्राउंड रिपोर्ट, किस तरह की वोटिंग हो रही है, बूथ में कितने लोग दिख रहे हैं, क्या तस्वीर दिख रही है? हाथरस, जो कि हमेशा बार बार बीजेपी के लिए कोट किया गया कि आपने हाथरस में एक बेटी के साथ जब बलात्कार का मामला आया तो आपकी पुलिस ने क्या कुछ किया था, लेकिन दूसरी तरफ उसी कानून व्यवस्था को अपनी शक्ति बताते हैं योगी आदित्यनाथ। वहां से रिपोर्ट नेहा। बिल्कुल अंजना, आपने ठीक कहा, क्योंकि हाथरस में जो कांड हुआ था उसके बाद बीजेपी के लिए परिस्थितियां बदल गई थी, और यही वजह है कि उन्होंने आगरा की पूर्व मेयर अंजला माहौर को यहां से टिकट दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर किसी हम नए व्यक्ति को यहां से टिकट देते हैं तो हो सकता है उस छवि को थोड़ा सा धूमिल कर पाएंगे। एक बार मेरे ठीक पीछे मैं आपको ये मतदान केंद्र दिखाना चाहूंगी। ये दरअसल एक कॉलेज है जहां पर अलग अलग बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों की भीड़ को डिवाइड किया जा सके, कहीं पर भी अव्यवस्था का माहौल ना रहे। यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लगभग 10:30 का वक्त है, तो वो बात जो हम हमेशा कहते आए हैं पहले मतदान फिर जलपान, वो यहां पर सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सुबह के वक्त वोट करना पसंद करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं और जलपान करते हैं। यहां पर बड़ी संख्या में देखिए महिलाएं भी पहुंची हैं मतदान करने के लिए, और साथ ही पुरुषों की भी संख्या है। लेकिन इसके साथ ही ये भी समझना होगा कि दो जो और सीटें हैं, सिकंदरा रऊ और सादाबाद, सिकंदरा रऊ जहां पर आपको ठाकुरों का बोलबाला मिलेगा, सादाबाद जहां पर जाटों का बोलबाला
बोलबाला है। तो ये जातीय समीकरण भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि 2012 के पहले तक बसपा का गढ़ माना जाता था हाथरस, लेकिन भाजपा ने यहाँ पर तस्वीर बदली 2017 में, और उसके बाद जब हाथरस कांड हो गया तो बीजेपी के लिए यहाँ पर इस बार सीट बचाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो मामला इतना ज्यादा गर्मा गया था और साथ ही यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था को लेकर और जिस तरीके से रातों रात उस लड़की को जला दिया गया था पुलिस वालों की ओर से, उन सब बातों को लेकर यहाँ पर लोगों के मन में अभी भी वो खटास, वो टीस बनी हुई है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा था जो कि नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर लोगों ने समझा था एक ऐसे मुद्दे के तौर पर जिसमें एक बेटी की अस्मत, बेटी की आबरू से यहाँ पर खिलवाड़ किया गया था और उसको इंसाफ मिल सके इसके लिए एक पूरी मुहिम चलाई गई थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और जिस तरीके की वहां पर व्यवस्था था, कई सवाल, कई चीजें यहां पर उठी थी। और हमने देखा था कि कैसे यहां पर हाथरस में ये मांग उठ रही थी कि यहाँ पर चीजों को दुरुस्त किया जाए, यहाँ पर जो चीजें हैं उन्हें प्रशासन के लिहाज से, पुलिस के लिहाज से और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। बिल्कुल नेहा, चलिए और भी दुरुस्त करते हैं मामले को ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि वो ये समझ पाएंगे कि क्यों आर पार की जंग इस बार हो रही है, क्यों ये यादव बहुल इलाका जिसमें 29 सीटें गढ़ है मुलायम परिवार की, एकमात्र परिवार उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिसमें एक वक्त में 20 से ज्यादा लोग सक्रिय थे एक परिवार के पॉलिटिक्स में, मुलायम सिंह यादव का गढ़, समाजवादी पार्टी, समाजवाद की नर्सरी से निकले हुए एक ऐसे नेता जिनकी पार्टी, उनके कुनबे पर कई सारे आरोप लगे, पिछली बार हवा ऐसी बही नरेंद्र मोदी के नाम की कि आपने देखा सब कुछ उनके लिए बिखर गया था। दिखा देते हैं आपको कंप्यूटर बाबा के जरिए कि क्या आंकड़े बताते हैं, क्योंकि उसी के बाद हम चलेंगे यहां पर जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश में हम लोग जाएंगे, पंजाब की भी बात करेंगे, कुछ देर के लिए उसका इंतजार कीजिए और फेज थ्री पर आ जाइए जो आज 20 फरवरी को 59 सीटों पर हो रहा है। यहां पर सबसे पहले सीट गणित दिखाएंगे। देखिए, ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश के बारे में कि पहला जो इलाका है उसमें जाट, दलित, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, ये तीसरा दौर जो है यहां पर गठबंधन वाइज हम आपको सीट का आंकड़ा दिखा देते हैं, यहां पर यादव बहुल बेल्ट है और इसके बाद से ब्राह्मणों की भी संख्या बढ़ती है और यहां पर फिर किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जब आप जाएंगे तो किसान भी अपनी जाति के हिसाब से वोट करता है, किसान बन के वोट नहीं करता है, ऐसी तमाम धारणाएं हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे यहां जो खास मेहमान है। लेकिन ये देख लीजिए, ये हो गया था 2017 में, उस गढ़ में जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये तो समझा जा सकता है, लेकिन यहां मामला समझ लीजिए पलट गया था, 49 सीट्स बीजेपी ने उस वक्त हासिल कर ली थी, हालांकि तब योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था। तो ये हमने आपको दिखा दिया, पार्टी वाइज भी अगर आप देख लेंगे तो ये परिस्थिति रही थी जिसमें लगभग सेम मामला दिखता है। महारथी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव यहां पर करहल सीट से लड़ रहे हैं, कन्नौज जहां सीमा रून लड़ रहे हैं, ये देखिए करहल से उनका चुनावी मैदान में उतरना, एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने उतार दिया है। आप देखिए, पहली बार आप देख रहे हैं कि चुनावी मैदान में दिग्गज खुद उतर रहे हैं, वरना विधानसभा चुनाव अखिलेश नहीं लड़े थे। इधर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ रहे हैं, की कैंडिडेट्स हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहां पर चाहे वो अखिलेश यादव हो, एसपी सिंह बघेल हो, कुलदीप नारायण हो बीएसपी की तरफ से, जल्दी से एक एक कमेंट इस पर ले लेते हैं आपके साथ शुरू करते हुए अग्निहोत्री जी, आज जिन 59 सीटों पर हो रहा है उस सम्मान को, उस मान को वापस हासिल करना है समाजवादी पार्टी के लिए जो पिछली बार बिखर गया था। देखिए, आज की जो बेल्ट है हम सभी इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये यादव पट्टी है और यादव ब्राह्मण और अति पिछड़े की भी काफी बड़ी संख्या है इस पूरी बेल्ट में। यादव सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उसके अलावा शाक के मौर्य, कुशवाहा, लोध, ये तमाम सारी अति पिछड़ी जातियां भी इस बेल्ट में हैं। और एक जमाने में मुलायम सिंह यादव जब अपनी राजनीति कर रहे थे तो यहीं से शुरुआत की थी उन्होंने, और ये सारे पिछड़ी जातियों की गोलबंदी उनके पीछे हुआ करती थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी बनाने से पहले जब वो लोकदल के नेता थे तब भी वो उनको सबको एक साथ लेके चलते थे। एक तरह से यादवों के नेतृत्व में पिछड़ों की पूरी गोलबंदी थी, लेकिन 2017 में जो है वो गोलबंदी टूट गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक तो मोदी लहर और दूसरा उसका जो सामाजिक ताना माना था। आपको रोक रही हूँ, पंकज जैन हमारे सहयोगी भगवंत मान से बातचीत कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, उनको फतवा देना है तो अगले 5 साल के लिए अपने बच्चों की किस्मत, अपने नौजवान बेटे बेटियों की किस्मत, अपने बुजुर्गों की किस्मत उन्होंने किसी हाथ में देनी है। और पंजाबी हैं जो हंसते खेलते नाचते अक्सर जाने जाते हैं, तो आज खुश होकर वोट दीजिए। और वोट का अधिकार शहीद आजम भगत सिंह,
करतार सिंह सराबा, लाला लाजपत राय और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें ये कार्ड दिया है वोट देने का अधिकार, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें और हंसते खेलते अपने माँ बाप को, दोस्तों को, सबको लेके जाइए और वोट करें। पूरे पंजाब में तमाम बड़े नेता पहुंचे, प्रधानमंत्री से लेकर और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार प्रचार कर रहे थे। काफी पावरफुल इस बार का चुनाव हो गया। आपको लगता है कि पिछली बार जिस तरीके से रिकॉर्ड टूटा था पंजाब में और काफी ज्यादा वोटिंग हुई थी, तो इस बार भी ज्यादा वोटिंग होगी, उससे क्या आपको कोई फायदा नुकसान होगा? पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में, भारी संख्या में वोट करते हैं, लगभग 80-82, संगरूर में तो 87-88 भी हो जाता है। तो पंजाब के लोग अवेयर हैं, उनको पता है कि हमारा वोट जो है उसकी कीमत क्या है। तो पंजाब में रिकॉर्ड टूटेगा वोटिंग परसेंटेज का भी, और मुझे उम्मीद है अच्छे रिजल्ट आएंगे। आज क्या चिंता है आपकी, फिर आप निकल रहे हैं, आप धुरी में लगातार आपको दौरा करना है, आज किस बात की चिंता ज्यादा है इस दौरान जो आपने प्रचार किया, आज क्या चिंता है और क्या उम्मीद है? कोई चिंता नहीं है। हाँ। आज खुशी है। हाँ। चिंता नहीं है, खुशी है। तो लगता है कि पर्याप्त वोट होगा आज? पंजाब के लोग हैं बहुत भारी संख्या में वोट करते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, खुशी का दिन है। चलिए, तो यहाँ भगवंत मान से हम बातचीत कर रहे थे और वो अपनी विधानसभा धुरी के लिए रवाना हो गए हैं और अलग अलग इलाकों में जाके वो जायजा लेंगे चुनाव का। उनसे हमने बातचीत की। आज सुबह वो गुरुद्वारा भी पहुंचे थे मत्था टेकने के लिए और शिव मंदिर भी धुरी में एक है, चर्चित है, वहां पर भी अब भगवंत मान दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो आज धुरी में सबसे ज्यादा फोकस भगवंत मान का रहेगा, हालांकि उनका वोट मोहाली में था और देखना होगा शाम तक पंजाब में जब वोटिंग खत्म होती है तो क्या पिछले बार का रिकॉर्ड भी टूटता है या नहीं। तो भगवंत मान से ये बातचीत देख रहे थे। शहीद भगत सिंह का नाम लेना नहीं भूलते, पीली पगड़ी भी इसी वजह से वो पहनते हैं। अगर आप पंजाब को समझेंगे तो चार हिस्सों में आप बांट सकते हैं, जट सिख, दलित सिख, दलित हिंदू और हिंदू अदर्स। मामला उत्तर प्रदेश से जरा अलग हो जाता है, लेकिन रुझान के मुताबिक हर समुदाय में आप समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी ने पिछली बार थोड़ा थोड़ा डेंट मारा था। नवजोत सिंह सिद्धू निजी स्वार्थों से बंधे होकर अपने बिजनेस चलाए और पंजाब को एक दीमक की तरह चाटा, उनका बनाया हुआ एक माफिया सिस्टम है। दूसरी तरफ उस सिस्टम को बदलने की चाह वाले, पंजाब को इश्क करने वाले, तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में बहुत सोच समझकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए है जिसे नशे में डुबा दिया गया। एक पीढ़ी हमने आतंकवाद में खोई, दूसरी हमने नशों में खो दी, जो आप सब जानते हैं किसने भाया, और आज तीसरी 70,000 करोड़ के एसेट्स बेच के पंजाब को छोड़ के जा रही है। इसलिए ये बहुत ही बड़ा मकाम है, बड़ा पड़ाव है, और यहां मुझे लगता है कि इस दौराहे पे खड़े लोगों को ये चयन करना होगा कि वो इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं या वही रिवायती सिस्टम पंजाब का कैंसर या उसके हाथ में खड़ा होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करेंगे और मुझे लगता है वो बदलाव के लिए आगे आएंगे और नौजवान पंजाब को वोट डालेंगे। सिद्धू साहब, लास्ट टाइम यू वॉन बाय 40,000 सीट, सो दिस टाइम द कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू बी टफ सर। हु टोल्ड यू अंग्रेजी बोल, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट राइट नाउ ब्रदर, अंग्रेजी बोलने से कॉन्टेस्ट टाइट नहीं हो जाते, वो भय है, वो डर है, और इसीलिए मैं कहता हूं ना कि माफिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठा होके आगे आया है, लेकिन इकट्ठे को भी ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पुश्तों याद रहे। अमृतसर ईस्ट सीट से नवजोत सिंह सिद्धू चुनावी मैदान में हैं, विक्रम मजीठिया इनके सामने हैं, जिनके खिलाफ पूरा मामला नवजोत सिंह सिद्धू ने, लेकिन मुझे लगता है संजय जी की कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा डर के इनकी बात सुनती होगी, कहीं अंदर की टीस फिर से बाहर ना आ जाए, क्योंकि
जब जो मन में आता है नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर बोल देते हैं और इसी को लेकर सबसे बड़ी उनकी चिंता थी। लेकिन इस बार तो ऐसी हालत है, वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि अमृतसर ईस्ट के अलावा बहुत ज्यादा प्रचार के लिए भी वो नहीं निकल रहे थे, अपनी सीट को लेकर फोकस कर रहे थे। संजय जी नहीं, अंजना जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, इन बातों का आभास हम लोगों को भी मीडिया के जरिए है, या जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम इन सब चीज़ों को देख रहे थे। सवाल यह है कि सिद्धू कांग्रेस के प्रेसिडेंट तो हैं पार्टी के पंजाब में, लेकिन वो इन चुनाव में जब से चन्नी का नाम घोषित किया गया है मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में, उसके बाद से वो कितना पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, कितना पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं, वो खुल के तो नहीं कहते कि पार्टी विरोधी गतिविधियाँ हैं, लेकिन तमाम पिछले दो वीक अगर आप देखें, जब से चन्नी जी का नाम एक तरह से घोषित किया गया चीफ मिनिस्टर के पद के रूप में, उसके बाद से उनके उन्होंने जिस तरह से कैंपेन किया, आपने आपको अमृतसर में सीमित रखे, कहीं कहीं मंच पर गए लेकिन उन्होंने अपने भाषणों से परहेज किया, भाषण नहीं दिया, तो मुझे लगता है कांग्रेस की चिंता है। कांग्रेस की चिंता सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे दलों के वोटरों को कैसे अपनी तरफ लाएं, कांग्रेस की चिंता ये भी है कि उनके जो वोटर हैं वो किस तरह से उसको अपने साथ रख सकें, छिटक न जाएं, क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट या जिस तरह की गतिविधियां सिद्धू की रही हैं, ये डर तो जरूर रहा होगा कांग्रेस के लीडरों के बीच में। यादव बहुल इलाके पर मुझे अभी बात करनी है संजय जी से। संजय जी की बात का लोग इंतजार करते हैं कि कुछ उससे भनक लगेगी कि क्या हो रहा है, लेकिन त्रिवेदी जी जल्दी से जमीन पर क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की सीएसडीएस एजेंसी है, त्रिवेदी जी जल्दी से पंजाब पर कमेंट ले लेते हैं। धूरी से भगवंत मान लड़ रहे हैं, अमृतसर ईस्ट से वो है। आप देखिए इधर जब आप मुख्यमंत्री को देखते हैं, दो सीट से लड़ रहे हैं, चमकौर साहिब और भदौर, और मालवा के इलाके में पिछली बार आम आदमी पार्टी ने सबसे, लेकिन आप कांग्रेस वालों से पूछे तो कहते हैं मीडिया का क्रिएटेड बबल है, आप लोग तो पिछली बार भी कह रहे थे कि 100 सीटें उनको आ रही हैं। क्या है, क्या दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, पंजाब में जो अभी सिद्धू साहब को हम लोग सुन रहे थे, सिद्धू साहब ने कहा कि बदलाव का चुनाव है, तो वो किस बदलाव की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार 4.5 साल से ज्यादा थी, अमरिंदर सिंह जी वहां पर थे, उसका बदलाव की बात कर रहे हैं, या जो अभी उन्होंने चन्नी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, 111 दिन की सरकार है, उसके बदलाव की बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी जैसे संजय जी ने कहा ना, तो अभी तो सिद्धू साहब से कांग्रेस की लड़ाई है कि वो कांग्रेस को कितना मदद कर सकते हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है पिछली बार से तो बेहतर प्रदर्शन करेगी वहां पर, जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल अभी उस तरह का लीड नहीं बना पाए हैं, उस तरह की धमक नहीं बना पाए हैं जिसका अंदाजा हम लोग लगा रहे थे। किसान आंदोलन का नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को वहां हो ही रहा है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं वहां कांग्रेस की सरकार बनवाने और आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने। हालांकि सबसे ज्यादा कुमार विश्वास का उठाया हुआ खालिस्तान वाला मुद्दा हावी रहा, जिस पर अपने आप को स्वीट टेररिस्ट अरविंद केजरीवाल। हाँ। पंजाब में एक चीज है कि महत्वपूर्ण सिद्धू साहब जो है पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोले, यही उनकी बड़ी सेवा है पार्टी के लिए। पर वाकई आज 59 सीटों पर दोनों तरफ से मुद्दे बिल्कुल साफ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बार बार समाजवादी पार्टी के शासन का गुंडा राज याद दिलाती है, तो दूसरी तरफ महंगाई बेरोजगारी पर घेर रहे अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को। यादव बहुल बेल्ट में आज वोटिंग होनी है, जो एक वक्त पर परिवार का गढ़ था। जिन सीटों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव में है, सलमान खुर्शीद की पत्नी लड़ रही है, सतीश महाना के लिए इंडस्ट्रीज को लेकर, रोजगार को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हुए थे। इधर स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने वोटिंग की है, दिग्गजों ने जो वोट डाला है उसकी तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इसी के साथ यादव लैंड की जंग में कौन आगे है, इसी को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि 2017 ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि इस बेल्ट में भी, यादव बहुल बेल्ट में भी बीजेपी को साथ मिला था, ना कि समाजवादी पार्टी को। उसी को वापस पाने का दमखम भर रहे हैं एक तरफ अखिलेश यादव, तो बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि उनके चेहरे पर इस बार चुनाव है, कि क्या उस जीत के ट्रेंड को वो बरकरार रख पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे, नजारा हम दिखा देते हैं, क्योंकि चाहे वो करहल हो, जसवंत नगर हो, हाथरस, कन्नौज, महाराजपुर, सादाबाद, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इस बार कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं संजय जी, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्या क्या जमीन पर क्या दिख रहा है? क्या अखिलेश यादव जो दम भर रहे हैं कि उनकी रैली में बहुत हुजूम आ रहा है लोगों का, वो वापस उनकी लोकप्रियता को बहाल कर पाएगा? 59 सीटें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, लोकप्रिय तो है, ये तो नहीं कह सकते कि लोकप्रिय नहीं है इस इलाके में, बिल्कुल लोकप्रिय है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अंजना जी, 59 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है, 49 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और विक्ट्री मार्जिन देखिए, 30 सीटें ऐसी थी जहाँ पे विक्ट्री मार्जिन 30,000 से ऊपर है। इसके अलावा 6 सीटें ऐसी हैं, कितनी सीटें सर? 30 सीटें ऐसी हैं, 30 सीटें थी 59 में जिनमें 30,000 से ज्यादा, 49 सीटों में जो बीजेपी ने जीती थी उनमें बीजेपी ने 30,000 से ऊपर के मार्जिन 30 सीटों पर, ठीक है,
छह सीटें ऐसी हैं जहां पर विक्ट्री मार्जिन 30,000 से 20,000 है, और इसके अलावा 10 सीटें और हैं जहां पर विक्ट्री मार्जिन 10,000 और 20,000 के ऊपर है। तो तकरीबन 49 सीटों में से 46 सीटें बीजेपी 10,000 से ऊपर के मार्जिन में है, और उन 30 सीटों पर ध्यान रखना चाहिए हमें जहां विक्ट्री मार्जिन 30,000 से भी बड़ा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर विक्ट्री मार्जिन 80,000 से ऊपर है। तो बीजेपी को हरा पाना यादव बाहुल्य क्षेत्र है, यादव वोट करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए, ये ऐसा चुनाव है जो उन्हें लग रहा है उनके करीब है, सत्ता उनके करीब आ सकती है। तो यादव वोटर तो बिल्कुल मोबिलाइज्ड हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में, लेकिन क्या सिर्फ यही काफी होगा यादव बेल्ट में उनको बड़ी जीत दिलाने के लिए? मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स की संख्या घटती है, यहाँ पर गैर यादव जो ओबीसी हैं वो भी पूरे इलाके में सिर्फ 10% मुस्लिम मतदाता है, जो इससे पहले हम देख रहे थे दूसरे फेज में। ऐसी सीटें थी जहां पर रामपुर जैसी सीटें जहां 50% से भी ज्यादा मुस्लिम थे, लेकिन यहां पर उनकी संख्या घट जाती है। गैर यादव ओबीसी भी बताया जा रहा है कि निर्णायक हो सकते हैं। सलमान खुर्शीद इस वक्त क्या कह रहे हैं, पहले आपको सुना देते हैं, फिर विजय जी के पास चले। तीसरे फेज में जनता बड़े सब के सब लोग आएं, साइकिल का बटन दबाएं, योगी को हटाएं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएं, ये उनसे अपील करता हूं। हाथरस से लेके कानपुर देहात तक हाथरस तीनों सीटें जीत रहे, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, इन 10 जिलों में बीजेपी जो है इट इज गोइंग टू लूज एवरी सीट। And therefore my vote is here. Although I work in Delhi, obviously much of my work in the Supreme Court falls in Delhi, but since I live here, my vote is here and I've cast my vote here. And it's a kind of reaffirmation both of democracy as well as of my association with this place. We've created that wave, haven't we? 40% of women participating, actually being candidates, and with the hope of 40% participation in everything to come in the future. And if women see this as a game changer, even better. तो सलमान खुर्शीद को आप सुन रहे थे। राइजिंग अयोध्या किताब इन्होंने लिखी थी, जिसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ था। इन्होंने हिंदुओं में कट्टरवाद, बढ़ते कट्टरवाद को लेकर टिप्पणी की थी, जिसको पकड़ लिया गया था। हालांकि फैसले को लेकर इनकी सोच अलग थी। जल्दी से चलते हैं, एक बार कुमार कुणाल हमारे साथ हाथरस से जुड़ रहे हैं। कुमार कुणाल एक नेता जो कि रामवीर उपाध्याय बीएसपी के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे, और वो चुनाव के एन पहले बीजेपी चलेगा और सादाबाद से उनको टिकट दे दिया गया है। बहुत सारे समीकरण हैं जो इन सीटों पर बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं। कुमार, बिल्कुल, और रामवीर उपाध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सिर्फ बड़े नेता बीएसपी के नहीं थे, बल्कि ब्राह्मणों का इस इलाके में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तीनों सीटों पर अगर आप हाथरस और उससे आसपास की सीटों को देखिएगा। एक सेकंड कुणाल, आपको रोक रही हूं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त बोल रहे हैं, जल्दी से सुना देते। सत श्री अकाल। शायद उनका कनेक्शन कट गया है, जैसे ही फिर से कनेक्शन होता है हम चलेंगे उनके पास। कुणाल, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से, और पीछे बूथ का भी नजारा दिखा दीजिए। देखिए, सादाबाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है जहां से रामवीर उपाध्याय है। जी बिल्कुल, मैं दिखाता हूं, साथ साथ मैं बात भी करता हूं। अभी बूथ का की तस्वीर भी आप देखते रहिए कि ये हाथरस की सीट है, और हाथरस में सुबह से ही कैसे कतारें लगी हुई है वोटरों की। महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में निकल करके आ रही हैं, ये तो आप तस्वीरें देखिए। लेकिन साथ ही साथ ये वो इलाका है हाथरस का जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो हम पश्चिम से बेशक अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये हाथरस अलीगढ़ का से लग रहा है, उधर मथुरा से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जाट वोटर, खासतौर पर सादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार है, उसका मुकाबला है रामवीर उपाध्याय से। और रामवीर उपाध्याय ऐसे हैं जिन्होंने तमाम जो सीटें हैं हाथरस की, उनसे पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं। चाहे वो हाथरस की सीट हो, सादाबाद से तो वो लड़ ही रहे हैं, सिकंदरा से भी वो पहले लड़ चुके हैं। तो इस तरीके से क्या इस बार वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है? वो फिलहाल वो बेड रिडन है, लेकिन इसके बावजूद उनका जो प्रभाव है, उनके परिवार का प्रभाव बीजेपी के लिए मायने रखता है। खासतौर पर बीएसपी से जो वोट लाने की कोशिश है बीजेपी की अपनी तरफ, उसमें कितना महत्वपूर्ण वो रोल निभाएंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। तो हाथरस सिर्फ बुलगड़ी की वजह से नहीं, अब आपको बुलगड़ी की भी बात कहें, आज सुबह में बुलगड़ी था जहां पर जो मामला हुआ था सितंबर 2020 में, उसके बाद
वहां पर भी पोलराइजेशन हमें साफ दिखाई पड़ा, बड़े साइलेंट वोटर हैं जो वोट करने जा रहे हैं। तो अभी भी वहां पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, लेकिन स्थिति अभी भी तनाव है, लोग खास तौर पर निकल रहे हैं और वोट करके अपना जो मन है वो मत जो वोटिंग मशीन है उसमें कैद कर रहे हैं। बिल्कुल, शुभांकर के पास कानपुर चलते हैं। कानपुर में भी पिछली बार बीजेपी का वर्चस्व साफ रहा, इस बार क्या दिख रहा है और एक बार बूथ भी दिखा दीजिएगा शुभांकर। अंजना, कानपुर में यूं तो 10 सीटें हैं, लेकिन जिस सीट पर हम मौजूद हैं ये खास है, खास इस लिहाज से क्योंकि सतीश महाना यहां से दो बार लगातार विधायक हैं। हालांकि विधायक वो 1991 से लगातार हैं, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अभी इतना उत्साह नहीं है। कानपुर शहर की बात करें तो 5% के आसपास वोट है, देहात की बात करेंगे थोड़ा वोट ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी एक बार तस्वीर हम दिखाते हैं, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। कुछ लोग यहां पर आ रहे हैं, धीरे धीरे वोटिंग जो है वो यहां बढ़ती जा रही है। लेकिन ये सीट जो है अंजना महाराजपुर, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि सतीश महाना 32 सालों से विधायक हैं और उनके सामने वो व्यक्ति है जो उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था, उस पर गुंडा एक्ट लगता है और 36 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी उसे टिकट दे देती है। सतीश महाना दावा कर रहे हैं कि हैट्रिक लगा देंगे, लेकिन उधर समाजवादी पार्टी के अपने दावे, पिछली बार 7 सीटें बीजेपी ने यहां से जीती थी, ये भी अपने आप में बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण ये इलाका है ये दर्शाती है। लेकिन इस बार नए वोटर्स बहुत ज्यादा है, तकरीबन 34,000 वोटर नए हैं, 70,000 ऑन द काइंड ऑफ केमिस्ट्री दैट द यादव फैमिली has always been known for in this round of elections. You have tried to bring the entire family together. You have tried to win over certain segments which have not voted traditionally. How does it look today in this phase for you? Jaisa pehle charan mein kisan ne, naujwanon ne matdan kiya, har varg ke logon ne gathbandhan ke saath khade hokar ke matdan kiya. Dusre charan mein bhi wahi sab kuch dekhne ko mila hai. सवाल यह है कि जनता के जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। जिन वादों को भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में किए थे वो हर वादा उनका जुमला निकला। और तीसरे चरण का चुनाव वो है जहां पर हमेशा समाजवादी पार्टी जीती थी, हालांकि पिछली बार वो हम लोगों को उतना वोट नहीं मिला पार्टी को जितना मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार पूरे के पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से देखा है लोगों ने कि उनके साथ अन्याय हुआ, जो विकास की गति थी वो रुक गई है, किसान को परेशानी उठानी पड़ी, न उनकी फसल खरीदी गई, धान लूटा गया, आलू बर्बाद हुआ, बिजली महंगी है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, जानवर से खेत नहीं बच पा रहे, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इस बार मतदान करके जनता देना चाहती है। समाजवादी पार्टी जनता के साथ है, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश, पिछले चुनाव में ये देखा गया कि बीजेपी ने इस आपके परिवार की या आपकी मुलायम सिंह यादव, आप शिवपाल जी की एक तो फैमिली फूड, उसके अलावा एक जो केमिस्ट्री थी आप लोगों की उसको अरिथमेटिक से हराया। नॉन यादव ओबीसी दलित वोट प्लस अपर कास्ट को लेकर के वो आपसे आगे चले गए, 29 सीटों का लॉस हुआ आप लोगों को। इस बार आपने कोशिशें की हैं, कुछ नेताओं को लाए हैं, क्या आपको लगता है अम्बेडकरवादी आपकी जो कोशिश हुई है ये कोशिशें आपको उस वोट बैंक को खींचने में मदद करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। अगर नेताजी साथ नहीं खड़े हैं तो मैं जानता हूँ वो क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नेताजी साथ खड़े हो जाएं, वो अपने क्षेत्र में अगर वोट मांगने जाते हैं केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी पार्टी के लिए अगर वो अपील करते हैं, अगर उनकी इच्छा है, जिंदगी उन्होंने गुजार दी राजनीति करते करते, अगर उन्हें पता है कि चुनाव हो रहा है और उनके क्षेत्र में लड़ रहा हूँ मैं, अगर वोट मांगने आते हैं तो तकलीफ है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इस बात की है कि इस बार जनता उनके खिलाफ खड़ी है, नेताजी परिवार चाचा सब लोग साथ आ गए हैं, ये बड़ी तकलीफ है भारतीय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को झगड़ा लगा के राजनीति करती है, लोगों को बांट के राजनीति करती है। जब उत्तर प्रदेश की जनता को और किसानों को अपनी आय दोगुनी है तब इनकी भाषा क्या है? नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे, और भाषा देखिए क्या है इनकी। तो इसलिए इस बार मेरी कोशिश रही कि जहाँ क्षेत्रीय दलों को मैं साथ लाया हूँ, इस क्षेत्र में भी जो हमारी पार्टी से अलग हो गए थे, चाहे वो चाचा ने जो नई पार्टी बना ली थी, उन सबको साथ लाने की कोशिश है और उसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है कि जैसा पहले चरण में हुआ, दूसरे चरण में हुआ, तीसरे चरण में भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। बीएसपी का थोड़ा मध्यम होना क्या आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है बाइपोलर कॉन्टेस्ट होने में? नहीं, कई जगह
बहुजन समाज पार्टी या वजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। और मैंने जगह जगह अपील की है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान से खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है, और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारे अंबेडकरवादी लोग ये जानते हैं कि यूपी में जब भी वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ है उनके लोग नहीं है अपॉइंटमेंट में, जब प्रोफेसर्स की भर्ती हुई है उसमें कोई उनका नहीं दिखाई देता है, और जिस तरीके से लगातार सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वो अंबेडकरवादी जानते हैं कि अंतोगत्वा ये लोकतंत्र में संविधान में जो उन्हें व्यवस्था मिली थी हक और सम्मान की, वो ये सरकार छीनने वाली है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी यू टॉकिंग अबाउट दिस अंबेडकर आइडियोलॉजी एंड सिग्नलिंग। एक जरूरी फैक्ट ये भी है कि इस इलाके में एक परेशानी रहेगी या पूरे यूपी में कि एक शिकायत रहेगी समाजवादी पार्टी आ रही है, सरकार आने पे यादव का होल्ड बढ़ता है, नॉन यादव ओबीसी इग्नोर हो जाते हैं, क्या उसको करेक्ट करना चाहेंगे इस चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस बार पहले दिन से ये फैसला लिया कि सबको स्थान और सबको सम्मान, सबको संगठन में भी लिया, अम्बेडकर वाहिनी बनाई है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती है, हमारे पास अल्पसंख्यक का प्रकोष्ठ है वो अलग चीज है, पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ लोग हैं, तो कोशिश ये की गई जो जातियां समाजवादी पार्टी में पहले जुड़ी हुई थी, बीच में कुछ समय के लिए नाराजगी कुछ कारणों की बात हुई, लेकिन इस बार सभी को जोड़ करके साथ लाने का काम किया है संगठन के माध्यम से और समय समय पर उनके बीच में कार्यक्रम करने से। अखिलेश, इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि योगी आदित्यनाथ कल बोल रहे थे पहले परिवारवाद, फिर गुंडागर्दीवाद और अब आतंकवाद, that now they are saying that you even have a terror connect. देखिए, जब उनकी भाषा कोई सुनना नहीं चाहता, जो उनकी भाषा है वो क्या भाषा है, क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये चुनाव जो भाषा जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसका चुनाव है? चुनाव उत्तर प्रदेश का इसलिए है कि आपने जनता को जो वादे किए थे, जो किसान को कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, आप आय दोगुनी नहीं कर पाए, आप किसानों का धान नहीं खरीद पाए, लूट हो गई धान में, आप किसानों को खाद और डीएपी समय पर नहीं दे पाए, बोरी में चोरी हो गई, बिजली का बिल महंगा है, अन्ना पशु या खुले जानवर इतने घूम रहे हैं कि उनको खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, तो ये जो सवाल हैं इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। इस डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि अन्याय बढ़ा है, उत्पीड़न बढ़ा है, और साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वह भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है, इसका जवाब उनके पास नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व और पोलराइजेशन की वेव थी तीन बार वो खत्म हो चुकी है। देखिए, ये बीजेपी का हमेशा जैसे ही चुनाव आता है वो उनका तरीका है काम करने का कि कैसे सोसाइटी को डिवाइड करें, कैसे हिंदू मुसलमान करें, हर पुरानी नई चीज या सदियों पुरानी चीजों को उखाड़ करके लाएंगे और जनता के सामने रखेंगे। लेकिन आज नौजवान जागरूक है, आज नौजवान नौकरी रोजगार चाहता है, कोविड के समय पे उन्होंने संकट देखा है, परेशानी देखी है कि उन्हें अस्पताल नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला और ऑक्सीजन ही सरकार नहीं दे पाई। आप किसान की मदद नहीं कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे नौकरी बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने वादा किया था कि हम कारखाने लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट मीट की थी, डिफेंस एक्सपो लगाया था, आखिरकार डिफेंस एक्सपो इन्वेस्टमेंट मीट का क्या असर दिखाई दे रहा है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कही, क्या आपने एमएसएमईज की मदद की है? तो ये जो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा, कारोबार नौकरी नहीं मिली, 11 लाख पद खाली है, नौजवान जानते हैं इस बात को, तो बाबा मुख्यमंत्री ये बताए ना कि 11 लाख पद क्यों खाली रह गए 5 साल में? यानी जो लाभार्थी अन्न योजना, जो लॉकडाउन में अन्न मिला, वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं बन पाएंगे। जनता ये जानती है कि पहले राशन नवम्बर तक था, जनता ये भी जानती है कि मार्च तक राशन कर दिया है, जनता ये भी जान गई है कि दिल्ली के बजट में राशन के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, और जब प्रदेश सरकार ने कोई इंतजाम बजट में पहले नहीं किया तो आने वाले समय में कैसे देंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि गरीबों को राशन और उनके पौष्टिक आहार का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा, और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी राशन के साथ साथ उन्हें घी और सरसों तेल भी दिया जाएगा, और उनका पौष्टिक आहार कैसे उन्हें मिले, स्वास्थ्य कैसे अच्छा, उस दिशा में काम करेंगे। You have to vote for yourself, Akhilesh. अपनी पार्टी के लिए वोट देने वाले जाने वाले हैं करहल, करहल यानी जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं वो एक समय आपके साथ खड़े हुआ करते थे। नहीं, उनका तो कोई भरोसा नहीं है, वो तो जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे, उन्हें स्वार्थ जहाँ दिखाई देगा, कभी समाजवादी पार्टी में थे, कभी बसपा में थे, आज बीजेपी में है, कल कहाँ होंगे, कल हो सकता है बसपा में हो, कल हो सकता है समाजवादी पार्टी में आ जाए, उनका क्या है? वो तो केवल यहाँ
किसी दिल्ली वाले बड़े नेता ने उन्हें कहा कि जाओ करहल में कुछ माहौल बनाओ, वो माहौल बनाने आए थे, वो तो दावा ये कर रहे थे पाल लोगों के गांव में जाकर के कि पाल लोगों मैं लॉ मिनिस्टर बन गया हूँ, देखना आप आने वाले समय में चीफ जस्टिस आपका होगा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस आपके होंगे, आपके हाईकोर्ट में जजेस होंगे। कमाल के न्याय मंत्री हैं क्या? ये मंत्री अपनी बिरादरी के जज बना सकते हैं क्या? अपनी बिरादरी के सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाएगा इनके कहने से? क्या हाईकोर्ट में जज बन जाएगा? कमाल के लोग हैं, दिल्ली के हैं, बड़े नेता ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग आए और गांव में ये समझा रहे कि जज बनाएंगे हम आपको। सैफई में आप कितनी बार वोट दे चुके हैं? जब से मैं समझता हूँ, जब से चुनाव देख रहा हूँ मैं और जब से स्कूल पास किया हूँ मैं, जब चुनाव हुआ तब मैंने वोट डाला है। क्रिटिकल वोट है इस बार आपको लगता है आपके आपके लिए, पार्टी के लिए और आपके करियर के लिए? देखिए वोट और लोकतंत्र में और वोट का पढ़ना, मैं तो अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े जिससे हमारा लोकतंत्र और बलवान हो और मजबूत हो, लोगों को बाहर निकल के ज्यादा से ज्यादा वोट डालना चाहिए। और क्रिटिकल तो नहीं कहूँगा, इस बार साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है, इस बार पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंच जाएगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जहां से शुरू की थी 47 सीट से 325 आए थे, ये दोबारा 47 पर पहुंच जाएंगे। We wish you luck, Akhilesh. Thank you so much. You are waiting to go to vote. Thank you very much for speaking to India today. So, sounding Akhilesh Yadav, who is heading off to go and vote, Rahul. तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि वापस 47 पर बीजेपी पहुंच जाएगी, जीत का दम भर रहे हैं और करहल में वो वोटिंग के लिए पहुंचने वाले हैं। याद कीजिए अगर आप तीनों फेजेस को देखेंगे, 172 सीटें आज जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तीन दौर के बाद, 403 में से 172 सीटों पर, लगभग आधे से थोड़ा कम सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। पिछली बार 2017 में बीजेपी ने 140 सीटों पर 140 आउट ऑफ 172 पर कब्जा किया था,